गाइस हम आ चुके हैं मुन्नार में। जो रिजॉर्ट हमने लिया है वो है हिमालय। बहुत ही डिफरेंट नेम है, मैं फिर भी ना डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको यहाँ आना है तो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है पूरा, मतलब ये नेचर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। जिनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो और बहुत ही ज़्यादा पीस चाहिए, एकदम शांति चाहिए, तो प्लीज़ यहाँ पर आप आ सकते हैं। सो मैं दिखाती हूँ जो हमने यहाँ पर लिया है रूम, तो कैसा व्यू है अंदर चल के मैं दिखाती हूँ आपको, आ जाइए। देख सकते हैं ये कैसे यहाँ पर इन्होंने बनाया है, बिल्कुल डिफरेंट लाइक कॉटेज टाइप में इन्होंने कुछ बनाया है। और नीचे ये कुछ पिलर्स टाइप के हैं जिस पे इन्होंने ये रखा है। आपने वेलकम मूवी देखी है ना, वेलकम मूवी में था ना इस तरह का, सेम वही है। सो ये है रूम और अंदर इन्होंने वॉशरूम भी दिया है। ये इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, ये भी इनका वुडन का है, जैसे पुराने चीजें होती ना उस टाइप से बना हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक विंडो दी है, बाहर का व्यू भी आप देख सकते हैं। और ये बालकनी जो है इसमें बहुत ही, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और इसकी बालकनी बहुत ही अच्छी है। सामने जस्ट आप देख सकते हैं ये तो ये मुन्नार है, तो ये हिल स्टेशन है, तो जिस वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, थोड़ा ठंडक ही है यहाँ पर। और आपने देखा होगा मेरी गोवा की जो वीडियो थी, उसमें जब सी के सामने हमने अपना रिजॉर्ट लिया था, एंड जो नेक्स्ट था वो था एलपी, उसकी वीडियो भी मैं डालूंगी, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा वीडियो। उसके जस्ट सामने था लेक, और ये जो प्लेस है इसमें क्या है, इसके सामने लेक और सी नहीं है, बट इसके सामने जस्ट हिल स्टेशन दिख रहा है। और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि नेक्स्ट शुभम ने क्या सरप्राइज दिया है, जो नेक्स्ट हमें जाना है वहाँ पर। तो अभी आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ, उन्होंने क्या बुकिंग की है, तो चलते हैं। गाइस हम देख सकते हैं, हम होटल के सामने वॉक कर रहे हैं, मैं और शुभम जस्ट कैमरा लेके खड़े हुए हैं, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। यूपी में तो मैंने बहुत कम ही पेड़ देखे हैं, यहाँ आके हर तरफ ग्रीनरी है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कार से आई थी तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था ना, अनइजी हो गई हूँ मैं, बट अभी अच्छा फील कर रही हूँ। गाइस तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने आ चुके हैं, और यहाँ पर मतलब रूम के अंदर ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, आपको आना होता है, एक कप के लिए जगह फिक्स की गई है, ब्रेकफास्ट विद द व्यू आप देख सकते हैं बाहर। तो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं, इसका टाइमिंग है 7:30 to 9:30, तो ब्रेकफास्ट आते ही हम दिखाएंगे आपको। आपको भूख लगी? बहुत ज़्यादा भूख लगी है इसको। चलो ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट। तो हम खाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं केरला स्पेशल भटूरा, ऐसा यूपी में नहीं देखा होगा किसी ने, यूपी एंड दिल्ली में। और छोले, आप खा के बताइए कैसा लग रहा है? छोले विद कड़ी पत्ता, पतिदेव बताइए, अच्छा है टेस्ट? टेस्ट व्यू से ज़्यादा बढ़ गया, कह रहे हैं इनको ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक है ना, तो इनको व्यूज ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाना तो। Hey guys, तो हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट, तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा वॉक कर लिया जाए, क्योंकि अभी हमने खाया था हैवी, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया है। और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, तो मेरे पतिदेव फोन पकड़े हुए हैं, आ जाइए मैं आपको दिखाती हूँ। हम थोड़ा सा व्यू चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक जैसे कॉटेज बना है ना, कॉटेज जिस पर बना हुआ है उस तरह का ये दिया गया, कि अगर आपको यहाँ से व्यू देखना है कुछ आप देख सकते हैं, आ जाइए मेरे साथ।
और वीडियो लाइक जरूर करना। वैसे मुझे कोई ज़्यादा शौक नहीं है ट्रैवल का, फिर भी मैंने सोचा हम आए हैं हनीमून पे, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिखा दीजिए। देख सकते हैं आप, और वो है हमारा रूम जो हमने लिया है, ये जस्ट ऊपर इसमें 3 गमले रखे हुए हैं, दिखाइए। और ये मैं हूँ जो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पीछे का व्यू कैसा है। ऐसा व्यू हमें तब दिखता ना जब हम कभी जाते नहीं, जैसे वैष्णो देवी वगैरह जाते ना, या हिमाचल कोई गया है वहाँ पे ऐसा व्यू देखने को मिलता है जो हमें यहाँ मिल रहा है मुन्नार में। हम जा रहे हैं यहाँ से अब दूसरे होटल के लिए। कौन सा होटल है शुरू? मोजलबर्ग रिवर साइड कॉटेज है, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। आपको दिखाती हूँ जहाँ से हम जा रहे हैं, दूसरे होटल में जाएंगे।